कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने इसे झूठ का संकल्प पत्र करार दिया। अपने ट्विटर हैंडल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने पूछा कि ये भी बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। सुरजेवाला ने लिखा, 15 साल से झूठ का संकल्प पत्र कर रहे हैं, बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी कि स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। सुशील मोदी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नौकरी के लिए पैसा है ही नहीं, 58,000 करोड़ चाहिए तो फिर 5 लाख रोजगार कहां से देंगे। 15 साल से किया बदहाल, अब ना चलेगी ये धूर्त चाल। गौरतलब है कि गुरुवार को बीजेपी ने 5 सूत्र और 1 लक्ष्य 11 संकल्प के विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया। इसमें 19 लाख रोजगार का वादा है। सबसे बड़ा वादा शिक्षकों की नौकरी का है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि आने वाले 1 साल में 3 लाख टीचरों की नियुक्ति करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और इस मौके पर कहा कि सरकार बनने के बाद इन वादों को पूरा करेगी। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।